ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस ये काफी हमारा ऑसम एंड क्रिएटिव होने वाला है। तो गाइस आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। एंड गाइस आप में से कुछ भाइयों को मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे हैं गाइस, एंड मेरे को वो डीएम देख के काफी अच्छा लगा कि यार आप लोगों को जो मैं वीडियोस में सिखा रहा हूँ गाइस आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। एंड गाइस आप लोग अच्छे तरीके से अपनी फोटोज को एडिट भी कर रहे हो। एंड गाइस आप में से कुछ भाइयों ने मेरे को ये बोला कि भाई हम मतलब कि आपकी वीडियोस को देख के काफ़ी चीज़ें सीख तो गए, बट भाई हमें कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ की जो फोटोज़ होती है वो हमें पसंद आ जाती है, बट यार हम उसमें एडिट नहीं कर पाते। तो गाइस आज जो है ये फोटो बिल्कुल रैंडम फोटो है, ठीक है? तो मैं इसमें आपको मैं हिम्मत भाई को ही मतलब कि हिम्मत भाई की मॉडल को ही आपको इसमें जो कियारा आडवाणी है उनके साथ मैं यहाँ पे अटैच करके दिखाऊंगा। एंड गाइस आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कि आपको अगर आप चाहो किसी सेलिब्रिटी के साथ अपनी फोटो को ऐड करना तो गाइस आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो रीटच से लेके गाइस और आपको पिक्सआर्ट में ऐड कैसे करना मॉडल, आपको सब कुछ मैं आपको सीखो एक एक चीज़ एकदम ध्यान से बताऊंगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। फिर गाइस अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर अपना किसी मॉडल किसी सेलिब्रिटी के साथ अगर अपनी फोटो को एडिट करना चाहते हो तो गाइस आप इजीली कर पाओगे। तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सर एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे बताना जरूर, क्योंकि यार आपके कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अगर आप लोग यार मतलब कि यहाँ से अगर आपको कुछ समझ आता है और अगर आप फोटो को एडिट करते हो तो गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम में टैग जरूर करना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए मेरे को वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे आप मतलब कि मेरे पोस्ट वगैरह देख सकते हो। बाकी गाइस चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, तो आप लोग देख वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। देन गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है? एंड गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड होगा एकदम आपको अच्छे तरीके से इरेज करना है, ठीक है? एंड मैक्सिमम लोगों को इरेज करना आता ही होगा, एंड जिन भाइयों को नहीं आता है तो गाइस उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप लोग बाद में जाकर देख लेना वीडियो को। बाकी हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आपका जो मॉडल होगा गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है, ठीक है? एंड जो गाइस हाइट होगा गाइस अगर आप मतलब कि कहीं बैंड हो रहे होंगे मतलब कि कहीं बैठ के आपने फोटो क्लिक कराया हो तो गाइस आप थोड़ा हाइट छोटा रख सकते हो, अदरवाइज अगर आपने पूरा स्टैंड होकर अगर अच्छे से फोटो क्लिक करवाया तो गाइस आप पूरा मतलब कि हाइट वाइज भी रख सकते हो। देन गाइस आपको जाना है ऐसे इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, आपको जो ये एरिया होगा गाइस शोल्डर, आपको गाइस अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है? एंड पीछे की तरफ कैसे जाएगा वो आपको इरेज करके ही आप पीछे की तरफ पहुँचा सकते हो, ठीक है? तो आपको ऐसे ऐसे फटाफट इरेज कर लेना है, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस आप सभी को एक चीज़ का ध्यान देना है कि गाइस अगर आपके में कहीं शेडो वगैरह अगर कम होगी तो गाइस आपको शेडो को बढ़ा लेना है, ठीक है? क्योंकि जो आपका दूसरा मॉडल होगा उसके साथ आपको मैच करना है फोटो को। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इसको इरेज करते हैं एंड यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फील कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप सभी को कुछ इस टाइप से करना है। एंड थोड़ा सा एरिया यहाँ पर रह गया तो मैं इसको भी इरेज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए गाइस परफेक्ट है, ठीक है? तो गाइस अभी हम यहाँ पर शेडो वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड ऐसे लेंगे हम ब्लैक वाली शीट, ठीक है? तो आप लोग यार इस वाली शीट को गाइस काफ़ी यूज़ किया करो, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको शेडो बनाने में काफ़ी इजी हो जाता है। तो आपको इरेजर टूल में जाके आपको ब्रश के साइज़ को बड़ा कर देना है, एंड गाइस आपको थोड़ा सा इंक्रीज और कर लेते हैं ब्रश के साइज़ को। देन गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, ठीक है? कुछ स्टेप्स ऐसे ऐसे पेंट करना है, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपका डन करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके एंड इसे मूव डाउन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है? तो गाइस ये एकदम मतलब रियलिस्टिक शेडो बनाने का मतलब कि एक अच्छा सा ट्रिक है, ठीक है? तो अगर आप लोग यूज़ नहीं करते तो गाइस किया करो उसको यूज़, एंड काफ़ी अच्छे हो जाती है इससे हमारी फोटो। तो गाइस यहाँ पे आपको दोबारा जाना है, फिर उस दोबारा से उसी ब्लैक शीट को लेना आपको। एंड गाइस उसके बाद आपको कुछ स्टेप से साइज़ बड़ा करना है, एंड रिजल्ट में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइज़ छोटा रखना है, ठीक है? क्योंकि हमें पैर के नीचे मतलब शूज़ के नीचे शेडो बनानी ना, तो हम क्या करेंगे फोटो को जूम करेंगे, एंड ऐसे जूम करके एंड यहाँ पे गाइस देखिए कुछ स्टेप से ऐसे पेंट करना है आप सभी को, ठीक है? एकदम अच्छे तरीके से। देन गाइस इतना कर देने के बाद थोड़ा समय यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेता हम इसे, इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, अब इसको हम करेंगे मूव डाउन, ठीक है? मूव डाउन कर देंगे एंड ओपेसिटी कम करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गाइस जितनी शेडो बहुत है। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको डन। अब गाइस आप सभी को एक चीज़ दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे जो है हमारे दोनों मॉडल इन दोनों के जो स्किन टोन है गाइस वो थोड़ी सी ना मतलब कि इक्वल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें गाइस, उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा हमें टूल्स में, देन जाना पड़ेगा अर्जेस्ट में। अर्जेस्ट में जाने के बाद आपको जाना है सेचुरेशन वाले ऑप्शन में। सेचुरेशन को गाइस आप एकदम बढ़ा दो, ठीक है? मतलब कि कितना 80-90 तक कुछ बढ़ा देना है आपको, ठीक है? एंड उसके बाद अगर आप कम भी बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इरेजर टूल में जाना है, एंड इरेजर टूल में जाने के बाद जो जितना भी आपके जो फर्स्ट मॉडल है यानी कियारा आडवाणी, आपको उसके ऊपर से इसको पूरा इरेज कर देना है, ठीक है? अच्छे तरीके से इरेज कर देना है, एंड जहाँ जहाँ पे भी हो वहाँ सबको उसको इरेज कर देना है।
इससे क्या होगा गाइस कि जो आप देखना गाइस, जैसे हम इसको इरेज करेंगे तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि गाइस यहाँ पे जो हमारे दोनों मॉडल होंगे एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच हो जाएंगे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से एकदम दोनों मॉडल मैच हो चुके हैं, ठीक है, एकदम कलर स्किन टोन दोनों का एकदम इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। देन यहाँ पे आपको उसको कर देना है डन। अब गाइस यहाँ से आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेना है कि यहाँ से विग्नेट का PNG, ठीक है। आपको इस PNG को क्या करना है, आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको उसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है इसको डन, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद गाइस हम इसको थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे क्रॉप, ठीक है, फोटो को थोड़ा क्रॉप करेंगे यहाँ पे। एंड ये हम इंस्टाग्राम का साइज ले लेंगे यहाँ पे एंड इसको हम कुछ इतना ही क्रॉप कर देंगे। परफेक्ट है, ठीक है। आप जितना चाहो उतना क्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज ना भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। मैं तो आपको मतलब एक वैसे ही मतलब कि फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में। लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद जो हाईलाइट है गाइस इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना है, ठीक है। एंड जो शेडो होगा आपको उसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है, शेडो को इंक्रीज कर देते हैं। एंड जो गाइस ब्लैक है इसको आपको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, हम इसकी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे यहाँ पे। एंड जो उसका टेम्परेचर होगा उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब उसका जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसका सैचुरेशन जो है आप यहाँ पे आप जितना चाहो माइनस कर सकते हो, जितना चाहो प्लस कर सकते हो, ठीक है। एंड ल्यूमिनस भी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, यानी मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग। बाकी गाइस यहाँ पे फिर क्या करना, आप सभी को जो ये यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा आप मतलब टोन रखना चाहो वैसा रख सकते हो। तो यहाँ पे हम जो ये गर्ल है गाइस इसका भी हम थोड़ा सा ड्रेस का कलर चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ह्यू माइनस एंड सैचुरेशन प्लस, ठीक है। एंड चाहेंगे डार्क ब्लू में, तो हमारा जो हीरो है गाइस उसके भी थोड़ा सा हम पैंट का कलर चेंज करेंगे, तो इसका हम ह्यू जो है बढ़ा लेते हैं एंड सैचुरेशन भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इतना परफेक्ट है। अब हम इसको अटर्न करते हैं। एंड जाएंगे यहाँ से हम इस वाले टूल में। एंड इसके बाद गाइस आपको शेडो को सामने जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उसको क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद जो इसका ह्यू होगा इसको लेके जाना है गाइस आपको येलो कलर में। एंड जो इसका सैचुरेशन होगा आपको उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, 10 तक। एंड जाना है मिड टोन में, देन आप इसको दोबारा से येलो टोन में ले जाना है एंड इसको यहाँ पे प्लस करना है 10 तक। फिर आपको दूसरा वाले हाईलाइट में जाना है एंड इसको ले जाना है यहाँ पे येलो टोन में एंड इसको भी यहाँ से बढ़ा देना है 10 तक, नहीं 10 नहीं 15 तक बढ़ा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस क्या करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है गाइस आपको उसको इंक्रीज करना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है कुछ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, विग्नेट। एंड नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है इस वाले टूल में, देन आपको यहाँ पे अपनी फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो गाइस नोड रिडक्शन है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो गाइस हमारी जो फोटो का रिजल्ट आया है वो गाइस आपके सामने है। तो गाइस आशा करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी गाइस चलिए मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।